नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 1 सितंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मंगल मेष राशि में शुक्र आगे बढ़ चुके हैं और अब वो कर्क राशि के हो चुके हैं और राहु मिथुन राशि में रह गए हैं। शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन था वो खत्म हो चुका है और एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी किसी भी भाव में नुकसान नहीं करता है, कम और ज्यादा लाभ कर सकता है, लेकिन राहु के साथ होने की वजह से संक्रमित है। हालांकि शुक्र और राहु में मित्रता भी है, लेकिन एक संक्रमण था जिसके वजह से कुछ लोगों के लिए खराब और कुछ लोगों के लिए कम खराब, कुछ लोगों के लिए ज्यादा खराब फल दे रहा था। अभी एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, हालांकि कमजोर स्थिति है लेकिन अच्छी स्थिति कही जाएगी पहले से। सूर्य और बुध सिंह राशि में, केतु और बृहस्पति धनु राशि में और शनि मकर राशि में गोचर में है, चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर में है। ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा एक और सुधार है, शुक्र और राहु का अलग होना, मंगल और सूर्य का स्वग्रही होना पहले से ही एक अच्छी स्थिति है। केवल और केवल रह गया है अब कि शनि और बृहस्पति का मार्गी होना, ये एक खुशखबरी भी आपको सितंबर में मिलने वाला है। धीरे धीरे एक एक कदम हम लोग अच्छे की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम सब सुरक्षित होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है, यात्रा का योग बनेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, हर लिहाज से सुखद समय दिखाई पड़ रहा है। शुक्र का चतुर्थ भाव में जाना भूम भवन वाहन की खरीदारी भी दर्शा रहा है और आप बहुत शौकीन व्यक्ति नहीं है, आपको रौब चाहिए, रौब से जिंदगी जिए, रुआब आपके लाइफ में बना रहे वो सब कुछ है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रेम व्यापार व्यवसाय अर्थ सब कुछ की प्राप्ति दिख रही है। काली जी की शरण में बने रहिए और अच्छा होगा। वृषभ राशि, लग्नेश के संक्रमण से बाहर आ जाने की वजह से स्वास्थ्य में सुधार, जीवन में तरक्की, प्रेम अच्छा दिखाई पड़ रहा है, व्यवसायिक लाभ हो रहा है, अपनों का साथ हो रहा है, अब जाकर के थोड़ी सी अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार तीनों की स्थिति आपकी अच्छी है, आप संगीत प्रेमी हैं, जो लोग संगीत के दुनिया में कार्य करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है। जो फिल्मों में बड़ी खराब सिचुएशन हो गई थी, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बड़ा अजीब हो गया था हमारा डिपार्टमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट दुनिया, उसके लिए राहत का समय है। काली जी की शरण में बने रहिए और हरी वस्तु पास रखिए। मिथुन राशि, आपके लग्न में जो संक्रमण चल रहा था उससे आप उबर चुके हैं। विपरीत लिंगी संबंधों में जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप उबर चुके हैं, मतलब मन को सुकून देने वाला समय आपके लिए कह सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। सफेद वस्तु पास रखें। कर्क राशि, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि दिख रही है बट मानसिक चंचलता बढ़ेगी, इधर उधर जाने का भय दिख रहा है और अगर इधर उधर जाने का होगा तो फिर घर में कोलाहल मचेगा, जीवन साथी के साथ प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ नए समीकरण बनने के कारण कलहकारी संकेत दिख रहा है। स्वास्थ्य ठीक है लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट है या जो मूत्र से संबंधित जिनको परेशानी है वो थोड़ा बच के पार करेंगे। प्रेम कोलाहल वाला है और व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। सफेद वस्तु काली मंदिर में कुछ दान करवाएं, अच्छा होगा।
सिंह राशि, फैशन इत्यादि पे खर्चे दिख रहे हैं, जीवन साथी से थोड़ी दूरी हो सकती है, या ये कहें कि बाहरी संबंध कुछ रोमांटिक या रोमांचक बन सकते हैं, इससे बचना भी चाहिए, या आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़े। स्वास्थ्य आपका ठीक है, रंगीन मिजाज इन दिनों बना रहेगा, तो इसको, इस प्रेम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाएगा, ये प्रेम आपका कॉम्प्लिकेटेड है। व्यवसायिक स्थिति ठीक, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, रोग ऋण शत्रु पर भारी पड़ेंगे, लेकिन क्रोध को ध्यान में रखिए, और विपरीत लिंगी संबंधों से कुछ लाभ का भाव बन रहा है। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम सने सने आगे बढ़ रहा है, व्यापार की स्थिति भी आपकी ठीक कही जाएगी। पीली वस्तु दान करें। वृश्चिक राशि, तुला राशि, तुला राशि की स्थिति थोड़े भावुक बने रहेंगे, और भावनाओं में बह के कोई अगर निर्णय लेते हैं तो वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। लग्नेश के संक्रमण के बाहर होने से स्वास्थ्य में सुधार है, जीवन में कुछ नए आयाम बनेंगे, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, सुख से जीने की आदत है आपकी, उसमें वृद्धि दिख रही है। प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा, और स्वास्थ्य भी अब अच्छा दिख रहा है। शनिदेव की शरण में बने रहे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि गृह कलह के संकेत हैं, थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। भाग्यवश कुछ जीवन में नया भी होने का संकेत है, लेकिन थोड़ा तबीयत से डिस्टर्बिंग समय कहा जा सकता है, बाकी कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन डिस्टर्बिंग समय कहा जा सकता है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार के दृष्टिकोण से आप ठीक चल रहे हैं, ऐसे भी आपको जीतने की आदत है, आप जीत जाएंगे। लाल वस्तु पास रखें। धनुराशि, धनुराशि को थोड़ा सा, जो लोग यूरिन से संबंधित, शुगर से संबंधित परेशानी में हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, शुक्र के अष्टम भाव में जाने की वजह से। बाकी चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में आपको ललकार रहा है, आपको जीवन में तरक्की दिला रहा है, ऊर्जा दिला रहा है, सकारात्मक ऊर्जा है, व्यापारिक ऊर्जा इसको कहेंगे। स्वास्थ्य मध्यम है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में चले गए हैं और लग्नेश वक्री है। प्रेम की स्थिति अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छा है, बहुत सारी चीजें रिपेयर कर लेंगे इन दिनों, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। बोल्ड डिसीजन में लेने में आप माहिर हैं, कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, बस स्वास्थ्य के मामले में आप ढिलाई मत बरतिएगा। और पीली वस्तु कुछ ना कुछ हमेशा पास रखिए, और बजरंग बली की सेवा में जुटे रहे। मकर राशि, मकर राशि बहुत परेशान चल रहा था, क्योंकि पंचमेश और दशमेश शुक्र संक्रमित चल रहे थे, बट अब ईश्वर का आशीर्वाद है आप पे, काली जी की शरण में बने रहिए। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। पूंजी का निवेश अभी एक आध दिन रोक दीजिएगा, और वाणी अनियंत्रित मत होने दीजिएगा, बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। काली जी की शरण में बने रहिए। कुंभ राशि, नायक नायिका की भात चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य केवल थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाकी आपका प्रेम व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे भी जो आप अर्जित कर लेते हैं वो कहीं जाता नहीं है आपका। गणेश जी की वंदना करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मीन राशि, चिंतित थोड़े बने रहेंगे, प्रेम में दूरी रहेगी थोड़ी, खर्चे से परेशान रहेंगे, लेकिन बहुत सारे समीकरण आपके पक्ष में बन रहे हैं, और इस महीने के बाद सब कुछ में चार चांद लगने वाला है। आज के दिन थोड़ा सा
सब्र के साथ आगे बढ़िए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। शिव जी की आराधना करते रहिए। नमस्कार।